इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हो तो आपको क्या करना है। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए, यहां पर कुछ इस तरह का पेज आपके पास ओपन। अब क्या करना है, आपको यहां पर अपना ईमेल डालना है। ठीक है, आपको ईमेल तो याद होगा ही सही, तो यहाँ पर आपको ईमेल डाल देना है। बात यहाँ पर पासवर्ड की है कि पासवर्ड कैसे हम आपका रिसेट करें। तो ईमेल आईडी यहाँ पर आप अपनी डाल दीजिए। चलिए मैं ईमेल आईडी डालता हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है ना। तो चलिए मैं ईमेल आईडी डालकर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर ईमेल आईडी अपने डालते हो, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड तो आपको पता है नहीं, तो आपको नीचे फॉरगॉट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ यहाँ पर रिकवरी अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन पूछेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर लास्ट पासवर्ड, कि पिछली बार आपने क्या पासवर्ड डाला था। वो आपको अगर पता है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो वो भी आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पर नीचे ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर ट्राई अनदर वे पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है चेक योर, ऐसा कुछ लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से ट्राई अनदर वे पे क्लिक करना है और एक कोड आपके मोबाइल पे आप देख सकते हो, गेट अ वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन आ गया है। आपने ईमेल आईडी अपने बनाया होगा तो उसमें जो है क्या होगा कि आपने मतलब रिकवर के लिए अपने मोबाइल नंबर दिया होगा। ठीक है, तो उस पर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट पे, है ना, टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। जैसा कि यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा है, देख सकते हो, है ना, लास्ट के 2 डिजिट्स, तो उस पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका एक नया पासवर्ड बना लेना है। तो यहाँ पर ओटीपी इंटर कर लिया, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर भी हमें क्लिक कर लिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा अगर सिम इसमें लगी होगी। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर एक नया पासवर्ड आपको बनाना है, क्रिएट पासवर्ड। ठीक है, आपको जो नया पासवर्ड आप बना रहे हो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद वही पासवर्ड जो ऊपर डाल रहे हो वो नीचे कंफर्म करके डाल दीजिए। उसके बाद सेव पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका अकाउंट फिर से जो है, आप जो पासवर्ड आपने भी डाला है नया, यह नया पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप कहाँ पर भी इसको लॉगिन कर सकते हो। तो यही तरीका था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड बना के बता देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है कुछ ऐसा इंटरफेस। यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर गेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और सक्सेसफुली आपका अकाउंट जो है इसमें लॉगिन हो जाएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।